बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को लास्ट क्लास में जो असाइनमेंट मैंने दिया था, मोस्टली आप में से ज़्यादातर लोगों ने जो है ना बना लिया है वो असाइनमेंट। अच्छा, एक आपके लिए रिक्वेस्ट है कि जी, ये गिटहब की जो प्रोफाइल है ना आपकी, जितने भी लोग आप यहाँ बैठे हैं, उस प्रोफाइल को ना आप ज़रा ये फ़ोटो वोटो लगा के ना यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख के ज़रा उसको प्रॉपर कर लें, और उसमें अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी आप लगा दें, फ़ोन नंबर वगैरह जो भी, ताकि कोई आपका गिटहब देखे तो आपको वो फ़ोन कर सके या व्हाट्सएप कर सके आपको। अच्छा, तो ये इसको मैच कर लें आप। लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाना ज़रूरी है आपके लिए, वो बना लो। गिटहब बना लो, दोनों में कोशिश करो सेम प्रोफाइल पिक्चर हो, डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है वो एक जैसी हो, और व्हाट्सएप पे भी कोशिश करो वही वाली फ़ोटो इस्तेमाल करो। सारे प्लेटफॉर्म पे ना एक फ़ोटो होने से बंदा रिकग्नाइजेबल रहता है। वैसे इस क्लास में हमने ना शुरू करना था जावास्क्रिप्ट से डायरेक्ट शुरू करना था, लेकिन ज़रा मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप लोग कितने पानी में, तो थोड़ा सा ना एक आपको टास्क देता हूँ मैं। ये मैंने ना एक फ़ाइल बना दी index.html की। अच्छा देखो यार, एक चीज़ ध्यान में अभी से रख लो कि इस कोर्स में ना हमारे पास टाइम है थोड़ा शॉर्ट, 6 महीने का कोर्स है हमारे पास, कंटेंट हमारे पास है थोड़ा ज़्यादा, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें आपको ख़ुद से करनी पड़ेंगी, अगर आप ढीले पड़ जाएंगे इस कोर्स में तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको पहले से ही बता दूँ। तो HTML हमने इस कोर्स में पढ़ना नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है जावास्क्रिप्ट जो चलती है ना वो HTML के साथ मिलकर चलती है, ठीक है? उसके बगैर चलती नहीं है। अच्छा, HTML मैं आपको आज ब्रीफली पढ़ा देता हूँ 10-15 मिनट में, और मैं आपको एक असाइनमेंट दे देता हूँ जिससे आपको सारी HTML ब्रीफली कवर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा, index.html फाइल का नाम होना ज़रूरी है, ठीक है? index.html के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं रख सकते आप, ठीक है? ये ज़रूरी है। ऊपर चला गया वो यार, उसको टिल्ट करके नीचे कर दो थोड़ा, एक बंदा ना। अच्छा, यहाँ पे देखो मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा, ये सामने मुझे सजेशन आ गई। अच्छा, ये सजेशन मुझे कहाँ से आ रही है? ये वी एस कोड का जो एडिटर है ना, ये मुझे दे रहा है। ये किसी दूसरे टेक्स्ट एडिटर में डिफरेंट हो सकता है, ये जो मैंने शॉर्टकट लिखा है, या किसी टेक्स्ट एडिटर में ये मौजूद नहीं भी हो सकता है। जैसे नोटपैड है, नोटपैड में ये आपको नहीं मिलेगा। वी एस कोड स्पेशली कोडिंग के लिए बनाया गया है, इसलिए उसमें ये रखा गया है। इस पर मैंने एंटर का बटन प्रेस कर दिया, ये बेसिक एक HTML लिखा हुआ आ गया मेरे पास, ठीक है? अच्छा, अब ये HTML में ये जो लगे हुए ना, ये ओपन हो रहा है और ये क्लोज़ हो रहा है, इसको हम कहते हैं मार्कअप्स, ठीक है? या इसको हम कहते हैं टैग्स, ठीक है? और दो टैग, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग मिलके क्या बनता है? एक एलिमेंट बनता है। मिसाल के तौर पे H1 एक एलिमेंट है। H1 के अंदर मैंने लिख दिया कि जी HTML 5, HTML का 5 चल रहा है अभी, जो लेटेस्ट वर्जन है, तो ये मैंने HTML 5 लिख दिया। अच्छा, इसको हमने रन कैसे करना होता है? इसको हमने रन करना होता है index.html जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस जगह पे मैं राइट क्लिक करूँगा, ठीक है? और कॉपी पाथ कर लूँगा। इस जगह पे भी कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे भी राइट क्लिक करके ये कॉपी पाथ का ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है? कॉपी पाथ कर दिया मैंने, इसको जाके मैं क्या करूँगा, ब्राउज़र में ओपन करूँगा। तो आप देखें H1 का जो एलिमेंट था वो मुझे बड़ा होकर यहाँ पर दिख गया। अच्छा, इसी तरीके से एक एलिमेंट होता है P करके, पैराग्राफ, और इसमें आप कोई भी मैंने टेक्स्ट लिखा, ठीक है? यहाँ रिफ्रेश किया तो यहाँ पे एज अ पैराग्राफ ही मुझे दिख गया, नज़र आ गया, ठीक है? इसी तरह मेरे पास एक इमेज करके होता है IMG, इसको हम फ़ोटो लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें देखें आप, जैसे ही मैंने IMG लिखा है ना, इसमें SRC करके एक आ रहा है सोर्स, .slash लगाता हूँ, यहाँ पे मुझे पाथ बताना होता है इमेज का, तो मैं कोई इमेज इंटरनेट से जल्दी से डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि बिल्डिंग, ठीक है? एक बिल्डिंग की इमेज आ गई मेरे पास, मे बी सही है ये कतर की, हमारे पास बिल्डिंग की फ़ोटो आ गई। मैंने कहा कि ओपन इमेज इन न्यू टैब, सही है, जिससे ये नए टैब में खुल जाएगी, ओपन इमेज हो गया। इसको मैंने Ctrl+S का बटन दबाया यहाँ पे, और इसको मैंने डाउनलोड्स के फोल्डर में सेव कर दिया। अब ये डाउनलोड के फोल्डर में चला गया, लेकिन मुझे इसको क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में लाना है, क्योंकि जब तक मैं इसको प्रोजेक्ट के फोल्डर में नहीं लाऊंगा, ये github.com पे पुश नहीं होगा, और github.com पे पुश करना इसको ज़रूरी है।
अदरवाइज एक और हमने काम करना है, वो हो नहीं पाएगा। लिंक लगा सकते हैं लेकिन हमने लगाना नहीं है, ठीक है। लिंक इसलिए नहीं लगाना है कि इंटरनेट के ऊपर जो भी इमेजेस होती हैं ना, उसमें जैसे मैं राइट क्लिक करके ना, इस पर ये लिंक है ना, देखो ये ऊपर जो लगा हुआ आ रहा है ये लिंक है, इसको लगाऊंगा चल जाएगी, लेकिन ये लिंक कभी भी एक्सपायर हो जाएगा। इंटरनेट है ना, कोई जो जिस वेबसाइट पे ये वो वेबसाइट ही ख़त्म हो गई अगर, तो वो एक्सपायर हो जाएगा लिंक, तो हमने ये कभी भी नहीं करना। अच्छा, ये डाउनलोड्स के फोल्डर में मैं गया, ये फ़ोटो थी मेरी, इसको मैंने ड्रैग किया यहाँ से और ला के अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में डाल दिया। बेहतर ये है कि इसके अंदर मैं IMG का एक फ़ोल्डर बना लूँ और इस इमेज को मैं उसके अंदर रखूँ, ठीक है। IMG का फोल्डर बना के उसमें रख दिया। इसका नाम थोड़ा लंबा है, मैं नाम छोटा कर लेता हूँ। मैंने कहा कि बिल्डिंग डॉट वेब पी, ठीक है। वेब पी जो है वो JPG की तरह एक फॉर्मेट है, दैट्स इट। SRC में जब मैं अब जाके डॉट स्लैश लिखूंगा ना, तो यहाँ पे इमेज स्लैश बिल्डिंग डॉट वेब पी आ जाएगा। अच्छा, इसमें डॉट स्लैश लगाना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप सिर्फ स्लैश लगाएंगे, इट मीन्स समथिंग एल्स इन लिनक्स। लिनक्स में सिर्फ स्लैश अलग है और डॉट स्लैश अलग है। अब ये जी विंडोज़ में भी इसी तरह हो गई। विंडोज़ में वैसे जो है वो बैकवर्ड स्लैश होता है, लेकिन VS कोड में आप करेंगे तो फॉरवर्ड स्लैश ही आपने लिखना है, ठीक है। HTML के अंदर ये फॉरवर्ड स्लैश ही चलेगा। तो ये इमेज मैंने लगा दिया, तो अब क्या होगा, जो मेरी वेबसाइट थी, कहाँ गई मेरी वेबसाइट, ये मेरी वेबसाइट है। इसको रिफ्रेश करूँगा मैं, तो ये इमेज भी यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है, ठीक है जी। तो मैंने आपको कितने मार्कअप बता दिए, 1, 2, 3, तीन मार्कअप मैंने आपको बता दिए। इसी तरह एक चौथा मार्कअप आपको बताता हूँ मैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर सम टाइम आपको लिस्ट बनानी पड़ती है, तो आपको मैंने UL और LI से लिस्ट बनती है। Item 1, Item 2, Item 3, Item 4, ठीक है जी। रिफ्रेश मैंने किया तो देखें आप, इमेज के बाद ना लास्ट में बिल्कुल लिस्ट बनी हुई नज़र आ गई है, ठीक है। इमेज के अंदर मैंने क्या लगा दिया, एक विड्थ करके एक प्रॉपर्टी लगा दी, 200 पिक्सल। तो इमेज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, 200 पिक्सल की हो जाएगी इमेज, ठीक है। अच्छा, तो मैंने ये टोटल आपको 4 मार्कअप्स बता दिए। अब इन 4 के अलावा भी बहुत सारे मार्कअप्स HTML में मौजूद हैं। अच्छा, अब ये मार्कअप, एक तो आपको पूरी की पूरी HTML सीखने के लिए आपको क्या चीज़ करनी पड़ेगी तो आप पूरी HTML सीख जाएंगे। नंबर एक चीज़, HTML में कौन कौन से मार्कअप्स अवेलेबल हैं आपको वो पता चल गया, तो इसका मतलब है सारी HTML आप सीख गए। नंबर दो, किस मार्कअप में कौन सा एट्रीब्यूट लगता है। ये जो SRC लगा हुआ है ना, दिस इज़ कॉल्ड एट्रीब्यूट। ये जो अल्टरनेट टेक्स्ट लगा हुआ है ALT, दिस इज़ एन एट्रीब्यूट। ये जो विड्थ मैंने इसमें लगाया है, दिस इज़ एन एट्रीब्यूट। किस एलिमेंट पे, किस मार्कअप पे कौन कौन से एट्रीब्यूट लग सकते हैं, ये आपको पता चल गया तो आपकी HTML पूरी होगी, ठीक है। तो दो चीज़, कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं और किस एलिमेंट पे कौन कौन से एट्रीब्यूट लग जाते हैं। तो मैं आपको एक लिस्ट बताने लगा हूँ कि जो है ना, कौन कौन से HTML एलिमेंट, ज़ाहिर इंटरनेट पे कहीं तो लिस्ट होगी उसकी मौजूद, और हर एलिमेंट के साथ ये भी होगा कि जिस पे कौन सा मार्कअप पे कौन सा एट्रीब्यूट लगता है। तो लेकिन उससे पहले ज़रा मैं मार्कअप के बारे में मज़ीद आपको बता दूँ, व्हाट इज़ मार्कअप। ज़रा क्लास 2 वे हो जाए उसके लिए आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि कोई मुझे बता पाएगा कि व्हाट डज इट मीन बाई मार्कअप। अंग्रेज़ी में मार्कअप का क्या मतलब है, किसी चीज़ को मार्क करना, और कोई किसी चीज़ को हाईलाइट करना, हाईलाइटर जो हम लगाते हैं वो मार्कअप है। और जी दोस्त बताएं। हाँ भाई शहजाद, भूल गया तुम भी। हाँ अच्छा, सरप्राइजिंगली आप लोगों ने बहुत सही जवाब दिया। आमतौर पर मुझे सही जवाब नहीं मिलता इस बात का, ठीक है। मार्कअप मैं मज़ीद एलोबरेट कर देता हूँ कि मार्कअप का क्या मतलब है। मार्कर से जो भी हम काम कर रहे होते हैं ना, मार्कर होता है ना जो, उससे हम जो भी काम करते हैं, और ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर मार्कअप्स। मिसाल के तौर पे जब हम जर्नल बनाते हैं ना, मार्कअप का मतलब ये है कि जी मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ, उसमें कोई मुश्किल वर्ड मुझे दिखा, अच्छा मैंने उसको मार्क कर दिया, खैर उसको मैं देख लूँगा, या उसको मैंने मार्क करके उसके साथ में उसके मीनिंग को लिख दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड मार्कअप।
ठीक है। अच्छा तो अब मैं जर्नल की मिसाल दे रहा था, तो जी वो नाइन्थ वगैरह में वो प्रैक्टिकल जर्नल बनाते हैं, या जर्नल वैसे भी एक एक मतलब हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, लेकिन लोगों के रशिया वगैरह में और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे जर्नल बनाने का बड़ा रिवाज है, वैसे भी लोग बनाते हैं रैंडमली, हमारे यहाँ उसको कहते हैं डायरी लिखना, लेकिन डायरी लिखना थोड़ा डिफरेंट है। डायरी में तो क्या होता है कि आप टेक्स्ट कंटेंट लिख रहे होते हैं, जर्नल बनाते हैं तो उसमें वो ये होता है कि जी आप जैसे आप कहीं गए, जो लोग जर्नल बनाते हैं उनकी बात हो रही है, आप कहीं गए जैसे कहीं पेरिस गया वो बंदा, अच्छा तो उसने क्या किया, पेरिस में एक फ़ोटो ली अपने एफिल टावर के साथ ये जो भी वहाँ पे है जो, तो वो फ़ोटो निकाल के ना एक जर्नल जो, हाँ जो फिज़िकल जर्नल जो होता है जो जो नाइन्थ में जर्नल ख़रीदते हैं, तो वो हम लेते हैं, क्लास का टाइम ख़त्म हो गया उसका अलार्म बजाइए, वेल हम 5-10 मिनट तो ऊपर जा ही सकते हैं, तो वो उसको फिज़िकल जर्नल जो हम ख़रीदते हैं नाइन्थ वाले में उसमें वो चपका के ना उसको टेप से, और उसके नीचे दो चार वो पेन से कोई बात लिख देंगे कि जी वो ये पिक्चर फला बंदे ने क्लिक की है, और मैं उस वक्त आइसक्रीम मैंने फ़ौरन फ़ौरन खाया था, मेरा मूड बड़ा अच्छा था, तो ये पिक्चर में इसलिए मैं मेरे मुंह से आपको कुछ आइसक्रीम गिरती हुई नज़र आ रही है ना, इस तरह के दो चार वो कमेंट्स लिख देंगे। और या मिसाल के तौर पे वो कहीं गया स्विट्ज़रलैंड गया, अब वहाँ पे उसको कोई फूल बड़ा अच्छा लगा, तो उसने वो एक फूल तोड़ के ना उसको टेप से चिपका लिया उसके अंदर जर्नल में अपने, तो या कहीं पे कोई घास उसने देखी अच्छी सी, उस घास को उसने एक सैंपल लेके उसमें चिपका लिया जर्नल में, या जो लड़कियां हैं वो उसने कोई फूल पत्ते का बूटे का डिज़ाइन देखा तो उसने वो जर्नल में ही बना दिया पूरा, एक पेज को लेके उसी में ही वो पूरा डिज़ाइन बना दिया सुई धागे से, तो जर्नल इस टाइप की चीज़ को कहते हैं, तो डायरी में और जर्नल में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। वेल तो हम जो आमतौर पर जर्नल बना रहे होते हैं जो नाइन्थ वाला, वो दैट इज़ नॉट क्वाइट अ जर्नल, वो एक्चुअल जर्नल कुछ और ही चीज़ होती है, तो लोग अपने बच्चों का जर्नल बनाते हैं भाई, जो जर्मनी में रशिया में ये बड़ा रिवाज है, बच्चा पैदा होता है ना उनका बच्चे का जर्नल बना देते हैं, वो उसके लिए बाकायदा वेबसाइट्स मौजूद हैं, बाकायदा कंपनीज मौजूद हैं, अब वो क्या करते हैं जी बच्चे की वो फ़ोटो लेते हैं पहले दिन एक फ़ोटो दूसरी तीसरे दिन, तो वो पूरा जर्नल बनाते हैं उसमें वो फूल पत्तियाँ लगा के और सब कुछ करके, उसके पाँव का छाप लगाते हैं उसमें, पाँव पे ना इंक लगा के उसको छापते हैं, बच्चे का पाँव फिर उसकी अम्मा का पाँव उसके अब्बा का पाँव ऐसे वो छाप लगा के ना जर्नल, है उनका एक शौक है, हमारे यहाँ नहीं होता ये, उनके यहाँ बड़ा शौक है उनको, वो फिर हॉरोस्कोप की चीज़ें वो लगाते हैं कि जी ये किस दिन पैदा हुआ तो उस दिन ये होता है तो उस दिन वो होता है, तो वो कंपनीज हैं वो जर्नल बना बना के भेज रही हैं, फुल पैसे कमा रही हैं वहाँ पे, तो जर्नल में हम जो भी कर रहे होते हैं ना नाइन्थ वाले जर्नल में हम जो काम कर रहे होते हैं सारे, किसी हेडिंग लगा दी, पैराग्राफ लिख दिया, कोई लिस्ट बना दिया, कोई पिक्चर लगा दी, वो सारा कुछ मार्कअप्स हैं, जो सारा काम मैं मार्कर और ब्लू पेन और ब्लैक पेन से जर्नल पे कर सकता हूँ नाइन्थ के जर्नल पे, वो सारा काम मैं इस HTML पे कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे एक CV बनानी है, वेबसाइट जो बन रही है मुझे एक CV बनानी है, तो CV के अंदर जो कुछ भी मौजूद है वो सारा का सारा क्या है, मार्कअप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्कअप लैंग्वेज का गेम सारा ये है कि वो सारे मार्कअप जो नाइन्थ के जर्नल पे मैं पेन और मार्कर से करता हूँ ना, वो मैं इधर कर सकूँ, एक वेबसाइट के कैनवास पे कर सकूँ, एक वेबसाइट पे कर सकूँ, तो ये मार्कअप लैंग्वेज सारा वो गेम है। अच्छा तो अब एक CV बनाने के लिए आपको हेडिंग चाहिए वो मैंने बता दी, पैराग्राफ चाहिए वो मैंने बता दिया, इमेज चाहिए वो भी बता दी मैंने, लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट, एक ऑर्डर लिस्ट भी होती है OL, उसमें 1 2 3 आता है, अनऑर्डर लिस्ट में डॉट डॉट आता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ये अनऑर्डर लिस्ट है ना, इसमें डॉट डॉट आ रहा है, एक ऑर्डर्ड होता है उसमें 1 2 3 आ रहा होता है, तो ये मैंने बेसिकली जो चार मार्कअप थे ना सबसे इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक लिस्ट, लिस्ट ऑफ ऑल HTML टैग्स, ठीक है जी, ये आ गया जी तमाम HTML के जो मार्कअप्स हैं ना उनकी एक लिस्ट आ गई है। अच्छा इसमें जैसे इमेज पे मैं जाना चाहूँ, मैंने कंट्रोल एफ करके IMG लिखा तो ये इमेज पे आ गया है ना, इन्होंने लिखा IMG डिफाइन्स अ इमेज। अब मैं इस पे जब क्लिक करूँगा ना तो इसकी एक एग्जांपल मेरे पास बनी भी आ गई है और ट्राई इट योरसेल्फ का बटन भी आ गया। अच्छा ये W3 स्कूल के अलावा भी कुछ वेबसाइट है, MDN करके भी वेबसाइट है, उस पर भी ये चीज़ आपको सेम चीज़ देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारे HTML की लिस्ट आ गई,
इस लिस्ट को देखते हुए और जो मार्कअप मैंने आपको बता दिया इसको देखते हुए आपने एक HTML पे CV अपनी बनानी है आप सब लोगों को जो यहाँ मौजूद हैं, और वो CV बना के आपने क्या करना है उसको github.com पे उसको पब्लिश करना है। जैसे आपने एक फ़ाइल बना के पब्लिश की थी लास्ट क्लास में, अब आपने ये CV बना के पब्लिश करनी है। अच्छा, तो कैसे पब्लिश करेंगे? ये मेरी वही रिपोजिटरी है जो कल जिस पे मैं काम कर रहा था, एक फ़ाइल इसमें मौजूद थी उसको मैंने कर दिया डिलीट, और तीन फाइलें मज़ीद इसमें मैंने बना दी हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने कहा गिट एड डॉट एंटर, गिट कमिट -m और मेरा मैसेज माई फर्स्ट वेबसाइट, सही है, CV वेबसाइट बल्कि इसी तरह का कुछ मैसेज। हाँ, अगर देखो मेरी क्लास में ना मिनिमम की लिमिट होती है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर मैक्सिमम आपको HTML के साथ साथ CSS भी आता है तो आप वो भी लगाएं, आपको अगर रिएक्ट का फ्रेमवर्क आता है आप उस पर बना दें, ठीक है। तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम लिमिट मैं आपको बताऊंगा हमेशा, मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम स्पेसिफिकेशन जो होगी ना असाइनमेंट की वो मैं आपको बताऊंगा हमेशा, मैक्सिमम की कभी भी कोई लिमिट नहीं है। जो जितना अच्छा करके लाएगा उसको हम हाईलाइट करेंगे, अगर किसी को बहुत ज़्यादा आता होगा तो मैं किसी दिन उसको यहाँ बैठा दूंगा, मैंने कहा भाई सबको पढ़ाओ भाई, है ना। अच्छा, और ऐसा नहीं है हमेशा कि भाई ये मैं ही पढ़ाऊंगा इधर आगे, अगर ऐसा नहीं है कि इस सीट पे मैं बैठा हुआ हूँ अगर तो मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ आपको आती होगी मैं आपसे पढ़ के भी जाऊंगा, ठीक है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ जिसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सब आता है। समटाइम मैं बहुत लंबी लंबी भी फेंकता हूँ, जो अभी मैं फेंकता रहा हूँ पिछले 2 घंटे से। तो मेरी हर बात पे यकीन भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप सब लोग समझदार हैं, इंटरनेट आप सबके पास मौजूद है, आप इसको वेरीफाई करें। हाँ, लेकिन मैं ये करता हूँ कि जिस पॉइंट पे मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है मैं मेंशन करता हूँ कि ये मेरा ओपिनियन है, ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो ज़्यादातर बातें वो बहुत सारी होती हैं, आधी बात कहीं जगह से होती है, कहीं बुक वगैरह से होती है, बहुत सारी बातें मेरा पर्सनल ओपिनियन होती है, वो मैंशन में ज़रूर कर देता हूँ। तो वेल, तो अब इसको मैं क्या करूँगा, गेट पुश, तो ये हो गया पुश, सही है। अब पुश हो गया तो इसका मतलब क्या है कि वो पहुंच गया वहाँ पे, मैं जाऊंगा ज़रा रिपोजिटरी में देखूंगा अब क्या मामला आते हैं उधर, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, रिपोजिटरीज में गया, ठीक है। ये है ना वो रिपोजिटरी, इसके अंदर चला गया मैं, यहाँ पे वो इंडेक्स डॉट HTML की फ़ाइल मुझे नज़र आ रही है, इमेज भी नज़र आ रही है। अच्छा, इमेज यहाँ पुश होगी तो मेरे वेबसाइट पे वो दिखेगी, ठीक है। मतलब कभी भी आप कोई वेबसाइट बनाएंगे तो इमेज जो है ना आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में होनी चाहिए, किसी को अगर आप वो फोल्डर भेजें तो इमेज साथ जानी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आके अब आपने एक काम और करना है, आपने जाना है सेटिंग में इधर। अच्छा, याद रखें दो सेटिंग है, एक सेटिंग यहाँ पर है जो कि रिपोजिटरी की सेटिंग है, एक सेटिंग है इधर जो कि आपके अकाउंट की या प्रोफाइल की सेटिंग है। तो आपने जाना है रिपोजिटरी की सेटिंग में, जो कि हर रिपोजिटरी की अलग होगी। यहाँ पे जाके आपने पेजेस, आप देख रहे हैं ये साइड मेन्यू में पेजेस है, इस पर क्लिक किया, और पेजेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांच, ये आप आ गए गिटहब पेजेस में। एक्चुअली गिटहब पेजेस गिटहब का एक फीचर है जो कि आपकी वेबसाइट को होस्ट कर देता है फ्री में, ठीक है। इसमें ब्रांच लिखा हुआ है, इसको नन से हटा के ना आप इसको कर देंगे मेन, और मेन करने के बाद इसको आप कर देंगे सेव, सेव हो गया ये। अब 2-4 मिनट के बाद ना इस स्क्रीन पे आपके पास आ जाएगा एक अदद URL, इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा ना तो 2-4 मिनट में ये URL एक आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वो URL जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट खुल जाएगी, कौन सी वाली, जो इंडेक्स डॉट HTML लिखा हुआ है। और ये याद रखें कि अगर उस फाइल का नाम आपने ज़रा सा भी चेंज किया तो वो फिर चलेगा नहीं। हाँ, आपको क्या लिखना है, इंडेक्स इस फाइल का जो नाम है, मैं वापस कोड में जा रहा हूँ, इस फाइल का जो नाम है ना वो केस सेंसिटिव है, ऐसे ही होना चाहिए, स्मॉल लेटर में सारा का सारा और इंडेक्स डॉट HTML। इसका अगर आपने आई कैपिटल भी कर दिया ना सिर्फ, तो ये काम नहीं करेगा, पर गड़बड़ करेगा सर। जी वो तो हम जो नाम रखेंगे सारी जगह वही लिखना होगा ना? नहीं, इसका नाम इंडेक्स डॉट HTML ही होता है। अच्छा, मैं वापस देखो पेजेस में आया हूँ ना, तो यहाँ पे ये URL अपेयर हो गया। अब URL अपेयर होने के साथ साथ यहाँ पे एक बटन है विजिट साइट, मैं इस बटन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये मेरी वही वाली वेबसाइट खुल गई है। ये जो URL खुला है ना, ये एक पब्लिक URL है, इसको पूरी दुनिया में कोई भी बंदा जिसके पास इंटरनेट अवेलेबल है, जब वो इस URL को ओपन करेगा तो मेरी ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी, सही है। तो हमने आज 10 मिनट में एक वेबसाइट बनाना सीखी और उसको
होस्ट करना सीखा इंटरनेट पे। अच्छा, अब यहाँ पे काम ख़त्म नहीं हुआ है, छोटा सा एक काम और है। आपने इस यूआरएल को क्या करना है, कॉपी करना है, और इस यूआरएल को कॉपी करने के बाद ना वापस अपने कोड में आना है आपने इधर, और आपने अपनी रिपॉजिटरी के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगाना है, ताकि जब भी आपकी रिपॉजिटरी पे कोई आएगा तो वो यूआरएल पे, इधर तो कोड दिख रहा है, यूआरएल पे क्लिक करके उसको विजिट भी कर ले वो, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन चेंज करने के लिए साइड में देखें गियर आइकन बना हुआ आ रहा है, इसको क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे ना आप देखें एक तो डिस्क्रिप्शन है, दूसरा वेबसाइट है, इधर लाके मैंने उसको पेस्ट कर दिया और सेव चेंजेस का बटन दबा दिया। अब देखें ये हर वक्त यहाँ बना हुआ आ रहा है कोने में यूआरएल, है ना, सही हो गया। अच्छा, एक और बात आपने ध्यान में रखनी है कि हर असाइनमेंट आपको एक अलग रिपॉजिटरी में करना है। मैंने तो सेम रिपॉजिटरी में किया क्योंकि वो एक जगह रहे ना सब चीज़ें, तो अच्छी बात है, तो मैं सेम रिपॉजिटरी में कर रहा हूँ, लेकिन आपने सेम रिपॉजिटरी में नहीं करना है। आपने जो कल रिपॉजिटरी बनाई थी वो ख़त्म हो गई, वो आज का जो ये असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ इसके लिए आपको एक नई रिपॉजिटरी बनानी है, पुराने वाले को छेड़ना नहीं है। और अल्टीमेटली जब हम ये कोर्स ख़त्म करेंगे तो हमारा गोल ये होगा कि हम कम से कम 150-200 रिपॉजिटरीज हमारी बन चुकी हों, क्योंकि ज़ाहिर है 6 महीने का कोर्स है, हर एक या दो क्लास के बाद आपको असाइनमेंट मिलेगा, तो तकरीबन 150-200 असाइनमेंट तो ये होंगे अल्टीमेटली, ठीक है। तो हमारा गोल ये होगा कि हमारे पास एक ग्रेजुअली एक चलता हुआ एक दिखे आपकी रिपॉजिटरी, कोई गेटहब आपका विजिट करे ना उसको ग्रेजुअली दिखे कि अच्छा यार फला महीने में इसने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, और अल्टीमेटली आपकी रिसेंट रिपॉजिटरी देख के वो आपको जज करेगा कि जी अभी ये कितने पानी में पहुँचा हुआ है, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बात बताई, हमने क्या किया ज़रा मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। नंबर एक, हमने एक index.html के नाम से एक पेज बनाया, उसके अंदर हमने कुछ मार्कअप्स लिखे, और उन मार्कअप्स को पहले तो यहीं पे चला के देखा कंप्यूटर में, उसके बाद वो पूरी की पूरी रिपॉजिटरी मैंने क्या कर दी, पुश कर दी github.com पे, और github.com पे पुश करने के बाद उसका GH पेज या github पेज कन्फिगर कर दिया उसका। github पेज कन्फिगर आप वैसे भी गूगल पे लिखेंगे तो आपको आ जाएगा। अच्छा, ये वाली बात जो मैंने करके दिखाया है, ये मैंने कई दूसरी क्लासेस में ये बात पढ़ाई है, तो मे भी अगर आप यूट्यूब पे जाके लिखेंगे, बाय द वे मैं ये भी ज़रा आपको जिक्र कर दूं कि यूट्यूब अगर मेरा आप विज़िट करेंगे तो वो चलेगा कैसे, youtube.com/ आ रहा है, नहीं आ रहा, चलो youtube.com पे ही चले जाते हैं। और यहाँ पे आप जाके लिखेंगे इंजमाम मलिक। अच्छा, बाय द वे आप अगर गूगल पे भी डायरेक्ट लिख देंगे ना इंजमाम मलिक लिखेंगे और साथ में आप यूट्यूब लिख दें तो ये आ तो जाता है, ये वाला है, सही है। अच्छा, तो वेल मैं इसमें चला गया, यहाँ पे आप जाएंगे प्लेलिस्ट में। अच्छा, प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट नज़र आएगी, यहाँ पे बैज 9 करके एक वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट है जो अभी चल रही है राइट नाउ। अच्छा, उसके अलावा QRS करके एक होगी, ठीक है, ये मर्न स्टैक करके एक है यहाँ पे प्लेलिस्ट, और एक प्लेलिस्ट होगी बैज 9 करके। तो इन तमाम क्लासेस में ना मैंने ये बात पढ़ाई भी है कि जी, अच्छा लेकिन वो 10 मिनट में नहीं पढ़ाई मैंने, थोड़ी लंबी करके पढ़ाई है। तो उसमें ना गिटहब पेजेस कन्फिगर करना और ये सारी चीज़ें उसमें आपको मिलेंगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं जो हमारा जो बैज 8 करके ये एक प्लेलिस्ट है, अगर मैं इसमें जाऊँगा ना अंदर, तो ये वाली बात ना यहाँ पर भी शुरू करने से जिक्र हुई भी है, सही है। ये गिटहब पढ़ाया हुआ है, उसके बाद ये मार्कअप्स हैं, फ्यू मार्कअप्स। वेल, इसमें कहीं पे मैंने किसी पॉइंट पे मैंने ये बात बताई होगी कि इसको होस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। वेल, तो ये मैंने आपको बता दिया कि जी आपने जब भी इधर जाना है ना, कभी अगर मेरी YouTube पे आप जाएंगे तो आपने हमेशा प्लेलिस्ट वाला सेक्शन खोलना है, तो वहीं पे आपको दिखेगा। अगर वैसे आप वीडियोस को ब्राउज करेंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है, ठीक है जी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं जी। प्यारे दोस्तों, शोर नहीं मचाएं आप, ज़रा खामोशी के साथ प्लीज़। असल में
अब मुझे वो नहीं आइडिया भी कि आप प्रोफेशनल अकाउंट कैसे है आपका। देखें, एक तो अकाउंट होता है कि आपका अकाउंट बना हुआ है और आप गिटहब में किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है और वो रिपोजिटरी प्राइवेट है जिसमें आप कमिट करते हैं डेली। आपकी प्रोफाइल खाली पड़ी हुई है, तो वो प्रोफाइल कंपनी की नहीं है, वो आप ही की है। नहीं, कंपनी ने बना के दिया था। कंपनी जब देखो, कंपनी जब छोड़ोगे तो ऑर्गेनाइजेशन से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। जो गिटहब में ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है कंपनी की, उससे डिस्कनेक्ट हो जाओगे, लेकिन प्रोफाइल तुम्हारी रहेगी। ऐसा तो नहीं होगा वो प्रोफाइल भी बोलेंगे इधर जमा करा के जाओ। सर, प्रोफाइल बनेगी, प्रोफाइल चल जो रही है वो आईडी के पीछे उसी की चल रही है। अच्छा, वो गिटहब बिजनेस वाला माल है कि कंपनी ने प्रोफाइल बना के दी, उससे तुम करते हो। हाँ, तो इसके लिए तुम एक पर्सनल प्रोफाइल अलग बनाओगे जो यहाँ वाले कोर्स के लिए ना। और बेहतर ये कि असाइनमेंट बना लेना आप भी, बावजूद इसके कि आपको आता है, लेकिन बना लेना, क्योंकि क्रेडेंशियल मेंटेन होगा ना। अब देखो, वो कंपनी में जो आप छोड़ोगे तो आपका गिटहब खाली पड़ा होगा, तो किसी को दिखाओगे क्या? कभी दिखाना पड़ गया तो दिखाओगे क्या? तो इसलिए कुछ खुद का पर्सनल क्रेडेंशियल भी बिल्ड हो जाएगा और ये सब क्लास के साथ भी आप शामिल भी हो जाओगे। जी, एक आखिरी क्वेश्चन मैं लूँगा बस, उसके बाद हम ख़त्म करेंगे। दोस्त आके बैठ गए पीछे। हाँ, इसका नाम चेंज नहीं कर सकते आप, इसका नाम यही रहेगा। जो मेन फाइल होती है उसका नाम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल होता है। अभी लेकिन इस डिटेल में नहीं जाओगे वो क्यों होता है, अभी वो ऐसा ही होता है, उसको इसी तरह समझो फिलहाल। अलग से गूगल कर सकते हो चाहो तो। जी, नहीं नहीं नहीं, अलग अलग रिपोजिटरी में। देखो, रिपोजिटरीज जितनी ज़्यादा होंगी तो अच्छा है ना उतना। और अलग अलग रिपोजिटरी में करने का मतलब ये है कि देखो, अब ये होस्टिंग हुई है ना, ये URL आ गया। अब मैं मिसाल के तौर पे इसमें एक और index.html तो नहीं बना सकता ना, तो या तो मुझे इस URL को हटाना पड़ेगा फिर दूसरा लगाने के लिए, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो एक असाइनमेंट, एक रिपोजिटरी, एक URL। अच्छा, फिर ताकि आप किसी को रिपोजिटरी भेजो, वो URL और कोड एक ही जगह पर। अब सारी चीज़ें एक साथ मिक्स होंगी ना, समझ नहीं आता। तो नहीं नहीं ब्रांच नहीं, ब्रांच नहीं, ब्रांच पता नहीं चलता ना लोगों को, समझ ही नहीं आता ब्रांच। रिपोजिटरी आते सीधा। अब मैं खुद कभी नहीं ब्रांच ओपन करता, ठीक है। हाँ, ब्रांचेस पे होता है, लेकिन आपने ब्रांचेस नहीं बनानी, आपने अलग अलग रिपोजिटरी बनानी है। ठीक है जी, तो आप सब लोगों को इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी आपसे नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे वाले दिन। चलिए, अल्लाह हाफिज़।